हाथरस में संदिग्ध परिस्थिति में हुई थी 10 वर्षीय बच्चे की मौत। हत्या की आशंका पर शव कब्र से निकाला। डीएम के आदेश पर कब्र से निकाला गया 10 वर्षीय बच्चे का शव। बीते 21 सितंबर को संदिग्ध परिस्थिति में हुई थी 10 वर्षीय बच्चे की मौत। परिजनों ने बच्चे की मौसी पर लगाया गला दबाकर हत्या करने का आरोप। बच्चे के पिता ने डीएम से मिलकर की थी शव कब्र से निकलवा कर पोस्टमार्टम की मांग। 8 दिन बाद डीएम के आदेश पर सबको कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में कब्र से निकाला गया 10 वर्षीय बच्चे का शव। सदर कोतवाली क्षेत्र के गांव अय्यापुर की है पूरी घटना। क्या हुआ था आज जब बच्चे को निकाला गया है कब्र से, क्या रहा मामला? घटना ये रहा था कि इस बच्चे की हमको ये लगा किसी ने मौत की है ना, तो मौत करने के कारण पता चलने के कारण उसे लगवाया हमने। कब? पहले पता नहीं था हमको, जब पता चला कि इसकी मृत्यु हुई है तो हमने निकलवाया इसको। कैसे हुई थी मृत्यु? इसकी मृत्यु गला दबाने से हुई है। अच्छा, क्या किसी से गला दबाने से मारकर ऐसे है? क्या किसी से रंजिश थी, क्या किसने मारा? रंजिश थी क्या था ये तो पता चलेगा उस मार होने के बाद में। कब हुई थी इसकी हत्या? इसी 21 तारीख को हुई थी। इतने दिन बाद आपको कैसे पता लगा? पता ये चला कि जो है ना हमारे यहाँ पे जो लड़की थी एक है ना, उसका नाम दिव्या था, और एक लड़का था हमारा अंश, और एक हमारी भाई की लड़की ज्योति, ये तीनों यहाँ पे अवेलेबल थे। ये तीनों आपस में बैठे हुए थे, अचानक क्या इनको मन में आई और लड़के की तकिया लड़ाई हुई आपस में दिव्या में अंश में, और पता नहीं दिव्या ने उसके तकिए से मुंह दबा दिया, फिर उसकी मतलब हत्या कर दी। क्या आपस में क्या संबंध थे उन दोनों के? मुझसे मौसी लगती थी।